तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने हैं। सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने हैं। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं।